एम फैक्टर का असर। अब मुलायम का मोर्चा, मायावती का भी सस्पेंस, बदल रही है पार्टियों की चाल। सरकार के सबसे बड़े एम यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए उनके सहयोगी एम मुसीबत बन गए हैं। पहला एम यानी ममता बनर्जी तो सरकार से किनारा भी कर चुकी हैं, तो मुलायम सिंह यादव और मायावती भी सियासत की हांडी में सरकार के खिलाफ खिचड़ी पका रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के तेवर इस बात की गवाही देते हैं कि मुलायम सिंह के मुताबिक एफडीआई के खिलाफ समाजवादी पार्टी संसद में प्रस्ताव ला सकती है। मुलायम सिंह कहते हैं, अगले संसद सत्र तक रोल बैक नहीं लिया गया तो सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा और अगर टीएमसी ऐसा करेगी तो उनकी पार्टी ममता के प्रस्ताव का भी समर्थन करेगी। मुलायम सिंह यादव सरकार के खिलाफ अब भी बोल रहे हैं और अंदर खाने सियासी गठजोड़ भी बना रहे हैं। मुलायम सिंह यादव अचानक शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के दिल्ली निवास पर भी गए और उनसे मुलाकात की, लिहाजा मुलायम सिंह और सुखबीर सिंह बादल की इस मीटिंग से एक नई चर्चा शुरू हो गई है। हमारा है, हम विरोध करेंगे जी। ममता जी ने अपना प्रस्ताव अपने तरीके से रखा है जी। वो तो जब संसद आएगी तो पार्टी अनुरोध तय करेंगे जी, क्या करना है जी। लेकिन अभी प्रस्ताव उनका आया है, उसमें हम पार्टी विचार करेंगे, वैसे तो हम विरोध कर ही रहे। हालांकि शिरोमणि अकाली दल के नेता बलवंत सिंह रामूवालिया ने इस मुलाकात को औपचारिक करार दिया और नए सियासी समीकरणों पर विराम लगाने की कोशिश की। अध्यक्ष शिरोमणि अकाली दल को मिलना चाहते हैं, तो मैं चूंकि इनके साथ कैबिनेट में रहा हूं मिनिस्टर, मेरी जानकारी है, तो मैं मिलने गया था, मेरे साथ मेरे गए और यही बातें हुई कि देश का भविष्य क्या बनेगा, किसान की दशा खराब हो रही है और इसके साथ गांव की दशा खराब हो रही है और प्रशासन में जो भ्रष्टाचार का बढ़ावा है, इन बातों पर बातें की और आपस में विचार विमर्श हुआ। सियासत के इस पंचांग में हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है, तो विपक्षी पार्टियां सियासी जाल फैलाकर केंद्र सरकार को फंसा रही है। ये स्वाभाविक है, ये होगा, लोगों के अंदर गुस्सा तो है ही। अब देखिए 5,28,000 करोड़ की टैक्स की छूट आपने दी, उसके बावजूद आपका मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ कितना हो रहा है? 0.1%। अमीर को सब्सिडी दो, कॉर्पोरेट को सब्सिडी दो और ग्रोथ भी ना हो, और गरीब पर बोझ डालो उस सब्सिडी को, उस डिफिसिट को घटाने के लिए। अब ये कैसे चल सकता है? यही है हमारा विरोध, इसका जवाब दे। इस सियासी घेरेबंदी पर शिवसेना की भी प्रतिक्रिया आई। संजय राउत ने प्रधानमंत्री के आर्थिक फैसलों पर सवाल उठाए और विज्ञान भवन में हुए हंगामे को आम आदमी का आक्रोश बताया। ये तो जनता का आक्रोश है, ये जनता का संताप है, चीड है जो व्यक्त हो रही है। प्रधानमंत्री पूरे नाकाम हो रही है, यूपीए सरकार नाकाम हो रही है और मुझे लगता है कि ये अराजकता की शुरुआत है। बीजेपी नेता बलवीर पूंज कहते हैं, प्रधानमंत्री 1991 की याद दिला रहे हैं और उनका भाषण हैरान कर देने वाला है। दो चीजें हैं, एक तो देश को गुमराह कौन कर रहा था, ये प्रधानमंत्री जी के बयान के अंदर निहित है। पिछले 8 साल से लगातार बार बार हम लोगों ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है और यही प्रधानमंत्री जी, इन्हीं के वित्त मंत्री जी संसद के अंदर संसद के बाहर हमारे बारे में ये कहते थे कि हम लोग गुमराह कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। आप भाषण उठा के देखिए और अभी ये कह रहे हैं कि अगर हम ये सब नहीं करते तो देश की अर्थव्यवस्था जो थी वो 1991 में जब देश को सोना अपना गिरवी रखना पड़ा उस साल में पहुंच जाती। तो इनके उत्तर में स्पष्ट है, इनकी बात में स्पष्ट है कि देश को पिछले 8 सालों से गुमराह कौन कर रहा है। सियासी पंचांग अब उलझ गया है।
जिसे राजनीतिक पंडित भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बाबा रामदेव ने अर्थशास्त्र पर चल रही इस सियासत पर बेहद गहरा बयान दिया है। तमाम घोटाले करने वालों के ऊपर छापे डालता और ऐसे 100 लोगों पर ही छापे पड़ते तो 2 लाख नहीं 100 लाख करोड़ की वसूली होती और देश आर्थिक संकट से बाहर चल जाता। सियासत में अर्थशास्त्र की बात चल रही है, लिहाजा बीजेपी ने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को आगे कर दिया। यशवंत सिन्हा अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं और सियासी दावपेच भी उन्हें खूब आते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और 2003-04 से लेके जो हमारी सरकार का अंतिम वर्ष था और 2007-08 तक तेजी से विकास हुआ, लगभग 4 वर्षों तक। उस तेजी से विकास के पीछे क्या कारण था? The high domestic savings, जो 24% GDP से बढ़कर 36% पर चला गया। सियासी पंचांग में कई पार्टियां दिशा बदल रही है, ऐसे में सरकार की दिशा पर असर पड़ सकता है, तो सियासी पंचांग के एम किस तरफ रुख करेंगे इस सवाल का जवाब भी बेहद दिलचस्प होगा। रिटेल में FDI के मुद्दे पर UPA सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। एक ओर जहां तृणमूल कांग्रेस ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है, वहीं दूसरी ओर मुलायम सिंह यादव ने संसद में FDI के मुद्दे पर प्रस्ताव लाने की बात कहकर तीसरे मोर्चे की कवायद तेज कर दी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने UPA के इस फैसले को अमरीकी मीडिया के दबाव में लिया गया फैसला बताया है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संदेश को देश की आम जनता के साथ विश्वासघात बताया है। MH1 न्यूज के लिए दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ अनूप कुमार।